भाई ये देख लो, इंडिया रिवर साइड लास्ट चाय वाला, इंडो तिब्बतन बॉर्डर है ना, हिंदुस्तान का भाई लास्ट तिब्बतन बॉर्डर है। अलग ही शेर की तरह चल रहा है भी। भाई यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं इसलिए रास्ता रोका। और भाई ये कहाँ चला गया? ये देखो भाई कहाँ पे खड़ा है, सतलुज व्यू। ये देखो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनीत व्लॉग में। तो भाई आज आपका भाई, जैसे कि आप लोगों को पता भाई, आपका भाई आया हुआ है चितकुल। तो भाई ये देखो वेदर पीछे का सारा, भाई ये देखो है ना, इस तरह का भाई वेदर है। और देख ही सकते हो बर्फ कितनी हो रही है, और कुछ बर्फ हमारी गाड़ी पे भी हो रही है जो हट रही है अभी। ये देखो हिंदुस्तान का लास्ट रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जा रहे हैं। और देखो भाई हमारे शिवा भाई कर रहे हैं मेहनत और हटा रहे बर्फ ताकि गाड़ी पास हो जाए। एक और कहाँ बाइक भैया, निकाली नहीं आपने? एक भाई आखिरी ढाबा किधर है? थोड़ा रास्ते पे गया, आखिरी ढाबा बोल रहे भैया, चले जाओ आप। भाई फिलहाल तो हटाते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे तो वाइपर रखा हुआ है, अपना काम स्वयं करें रास्ता बनाने के लिए। अब कहाँ पे, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, अलग ही शेर की तरह चल रहा है भी। ओ भाई साहब व्यू देखो भाई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। झरना बह रहा है, नदी बह रही है। भाई ये कहाँ चला गया? ये देखो भाई कहाँ पे खड़ा है, ये देखो कैमरे में फोटो में अच्छा दिख रहा है। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। भाई दोस्त मिल गए दोनों। भाई फाइनली कुछ खाते हैं और फिर चलते आगे। कौन क्या क्या खाएगा? आलू प्याज मिर्च, अब तो वो आलू प्याज ही तो हो गया। हाँ हाँ आलू प्याज, एक ब्रेड टोस्ट भी देना है ना, और चाय भी। चाय ले लेंगे थोड़ी देर बाद, ले लेंगे भैया एक मैगी भी कर देना। भाई आ गए पराठे खाते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट तो कर लिया, अब हम चितकुल से जा रहे हैं इंडन तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर, इंडो तिब्बत बॉर्डर। भाई हम जा रहे हैं चितकुल से इंडो तिब्बत बॉर्डर, जहाँ पे चेक पोस्ट है ना, जहाँ पे बॉर्डर का आखिरी चेक पोस्ट है, बॉर्डर का आखिरी चेक पोस्ट है। चलो भाई चलते हैं। और स्नोफॉल भी हो गया, देखो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है। तो भाई ये है इंडो तिब्बतन बॉर्डर है ना, हिंदुस्तान का भाई लास्ट तिब्बतन बॉर्डर है यहाँ पर। भाई इसके आगे जो है वो आर्मी एरिया लग जाता है, ये देखो है ना, ये बॉर्डर है यहाँ पर लिखा हुआ ठहरी है, तो इसके आगे जो है आर्मी बॉर्डर लग जाएगा। तो आर्मी कैंट है, मतलब आर्मी एरिया है सारा, तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ तक आ सकते हो और फोटो वोटो क्लिक करा के वापसी जा सकते हो। फोटो शूट चल रहा है भाई हमारा यहाँ पे। तुम हट जाओ ना, लग जाएगी बस। भाई ये देख लो, इंडिया रिवर साइड लास्ट चाय वाला, ठीक है, चाय की शॉप है, इंडिया की लास्ट चाय की शॉप। और यहाँ पे पीते हैं भाई चाय वाय, अगर कोई पीता है तो। बाकी रिवर दिखाता हूँ मैं आपको, सामने का नज़ारा देखो भाई, रिवर देखो तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई वहाँ से आ रही है ना, कहाँ पर जा रही है, चलते हैं। मेरी
जूते उतार के बैठो सारे अंदर हर हर महादेव बोल के देखो भाई पानी देख लो यार कितना साफ पानी है ये देखो सामने माउंटेन देखो भाई है ना और ये रिवर देखो। तो भाई वहां से हम निकल गए थे घर की तरफ। भाई यहाँ पे देखो रास्ता बंद किया हुआ है और क्यों किया हुआ है क्योंकि पहाड़ वहाड़ मतलब पत्थर वत्थर तोड़ रहे हैं ना तो उसकी वजह से ब्लास्ट वगैरह कर रहे हैं। तो भाई ये तो कह रहे हैं अभी 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाद फिर रास्ता खुलेगा। भाई यहाँ पर हमारे को हो गए हैं कम से कम 2 घंटे और अभी भी ये कह रहे हैं कि 10 मिनट लगेगा रास्ता खोलने में। भाई ये देखो इतना जाम हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक रास्ता बंद किया हुआ है 10 मिनट बोल बोल के हो गया हमारे को कम से कम यहाँ पे कितना हो गया भाई 2 घंटे 3.5 घंटे के आसपास 3-3.5 घंटे हो गए हैं यहाँ पे खड़े खड़े और रास्ता अभी तक बंद पड़ा है। मतलब ये वाली लाइन चालू करी है इन्होंने और ये वाली जो लाइन है हमारी वाली वो मतलब बंद ही पड़ी हुई है। भाई यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं इसलिए रास्ता रोका हुआ था, अब खोला इन्होंने देखो। तो अब चल रही है गाड़ियाँ और एक एक करके निकाल रहे हैं। भाई फिलहाल रुके हैं कुछ खाने के लिए और चेक करते हैं और देखते हैं क्या मंगाना है। ऑर्डर किया भैया वेज सैंडविच, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी और फ्राइड राइस, फ्राइड राइस, चिकन, चिकन किया है क्या, चिकन मंचूरियन, चिकन मंचूरियन, चिकन फ्राइड राइस। देखो भाई यहाँ पे व्यू देखो, सतलुज नदी का है ना ये, सतलुज नदी का है ना व्यू। तो यहाँ पे एक चीज स्पेशल भी है इनके ना मेन्यू में, क्या थी वो सतलुज नदी वाली, कौन सी थी, वेज सतलुज व्यू, ये देखो मिक्स वेज सतलुज व्यू स्पेशल क्योंकि यहाँ से व्यू दिखता है। भाई फिलहाल पहुंच गए हैं नारकंडा, तो परसों रुके थे हम यहाँ पर और फिर निकल गए थे आगे के लिए, अब वापसी यहाँ पर आए हैं। थोड़ा रास्ता भी बीच में ख़राब था, पत्थर वत्थर गिर रहे थे, लैंड स्लाइडिंग हो रही थी तो उसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो गए हम। और प्लान था हमारा रुकने का शिमला लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा लेट हो गए इसलिए यहीं पर रुक गए। पर अब खाना वाना लेके जा रहे हैं और खाएंगे फिर सोएंगे उसके बाद कल निकलेंगे मॉर्निंग में। तो भाई खाना तो लिया है, ये है रही हमारी बाइक, तो ये हमारी बाइक है एक और एक ये वाली है। तो अब चलते हैं, ये हमारा होटल है तो चलते हैं यहाँ से। भाई ये है स्ट्रीट्स, तो चलते हैं खाना वाना खाते हैं और फिर सोते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी भी निकलना है क्योंकि यहाँ से मतलब नारकंडा है ये, यहाँ से 405 किलोमीटर है टोटल दिल्ली। तो सुबह टाइम से निकलेंगे उसके हिसाब से भी टाइम से जल्दी पहुंचेंगे। तो अभी चलते हैं खाना वाना खाते हैं। हो तो गया मम्मी ने कल रात को कल रात मैं शिमला आ गया वापस तो गिम्बल लेकर आए भाई और अब जाके यूज कराए भाई। फाइनली चेकआउट कर लिया है और आ गए हैं बाहर, चलते हैं गाड़ी की तरफ सामान वामान रखने।